स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदा शर्मा फ्रॉम GCS स्कूल। आज हम क्लास थर्ड में सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शनल नंबर्स के आपको आगे के सम सॉल्व कराएंगे। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 14 के सम सॉल्व करा दिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 का एड द फॉलोइंग फ्रैक्शन के कुछ सम्स आपको सॉल्व कराएंगे। हम तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन नंबर ए। 15 का क्वेश्चन नंबर ए है 4/6 प्लस 1/6 इक्वल टू, हमें यहाँ इक्वल टू आंसर बताना। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो है सबका सेम होता है और न्यूमरेटर को हम प्लस करते हैं। तो हम लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे? इसमें डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर की डिजिट को हम प्लस करेंगे। तो मान लीजिए ये न्यूमरेटर की डिजिट है 4 और 1 कितने हुए, प्लस 1/6 इक्वल टू 4 और 1 5/6, ये हो गया आपका आंसर। यानी इसमें ये डिनोमिनेटर की डिजिट सेम, सबकी सेम होती है, इसलिए यहाँ पर 6 ही आएगा और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब है बी, क्वेश्चन नंबर बी है आपका 3/12 प्लस 7/12 इज इक्वल टू 3 प्लस 7/12 इक्वल 7 और 3 कितने हुए 10/12, ये हो गया इसका आंसर। सी है क्वेश्चन 2/14 प्लस 5/14 इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 5 14 इक्वल टू 7/14, 5 और 2 7 हुआ। अब डी, क्वेश्चन डी है आपका 3/7 प्लस 2/7 इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल 7 इज इक्वल टू 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5/7। क्वेश्चन ई, क्वेश्चन ई है 2/6 प्लस 3/6 इक्वल टू 2 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 3 और 2 को प्लस किया तो हुआ हमारे 5/6। बच्चों आप देख रहे हैं ना, इसमें डिनोमिनेटर सेम ही रहता है लाइक फ्रैक्शन में, हम ऐसे ही। क्वेश्चन एफ है आपका 2/7 प्लस 3/7 इक्वल टू 2 प्लस 3/7 इक्वल टू 2 और 3 कितने हुए 5/7। अब है जी, 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 3 और 2 5 5 और 1 6 6/6। तो बच्चों ये हो गए आपके लाइक फ्रैक्शन के सम्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एच, 2/8 प्लस 4/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/4 5 5/2 7 7/8। I है 2/5
प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 और 1 2 2 और 2 4 4 अपॉन 5। तो बच्चों ये आपके सम्स हुए लाइक फ्रैक्शन के कंप्लीट, जिनको आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके लिखना है। आज के लिए आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन नोटबुक। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।